आपने? धन की बारिश देखी है आपने? ऐसा होता है क्या? बारिश तो पानी की होती है, धन की बारिश होती है क्या? अगर नहीं होती धन की बारिश तो ये क्यों कहा जाता कि देने वालों ने इन्हें छप्पर फाड़ कर दिया? अब छप्पर फाड़ कर क्या आता है? घर की छत तो नहीं टूटती, छप्पर फटता तो नहीं, परंतु इतना धन आता है जो बारिश को भी डाउन कर देता है और छप्पर तो फटने ही फटने। मानते हैं ना, समाज में कई कई लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जो साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे हो, बिल्कुल कोई काम के व्यक्ति नहीं है, छोटा सा काम करते हैं, थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, ये रातों रात क्या हो गया? ऊपर वाले ने इन पर ऐसी मेहरबानी क्या कर दी कि छप्पर फाड़ कर धन बरस गया इन पर, मानो इनके घर में धन की बारिश होती है। ये सारी कहावतें नहीं है, यदि कहावतें बनी है तो सत्य पर ही बनी है। आप कहेंगे ठीक है ये कहावत नहीं है, सत्य पे बनी है, और मैंने सच में समाज में कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपनी आंख के सामने धन की बारिश होते देखा है, उन पर छप्पर फाड़ कर धन बरसते देखा है, परंतु हम पर नहीं बरसा है कभी। और मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, या मैं ऐसा कोई जादू जानता हूँ या कोई जानती हूँ कि मुझ पर इतनी धन की बारिश होगी। यही है ज्योतिषीय उपाय। किसी की कुंडली में राजयोग होता है, वो जन्मते हैं किसी मामूली से मध्यम वर्गीय, मध्यम भी ना कहो, निम्न वर्गीय परिवार में, जिनका स्तर बहुत नीचा है, रोजी रोजगार के लिए बहुत मुश्किल से वो लोग दो रोटी जुड़ा पाते हैं, और उस घर का लड़का आईएएस आईपीएस बनता है, इससे भी ऊंचे पोस्ट पर जाता है, राजनेता बनते हैं, चमत्कार होता है, करोड़ों में अरबों में खेलते हैं, और पता चले तो माँ कहीं काम करके, कहीं सिलाई करके, कहीं कुछ, पिता कोई छोटा सा कुछ काम करके बड़े मुश्किल से हमारे बचपन को पाला उन्होंने, और आज जब अरबों कमा रहे हैं। तो ये कहानियां नहीं है, ये हाथ की रेखा होती है, ये कुंडली में ये योग होता है कि भगवान एकदम तकदीर बदल कर रख देते हैं इन लोगों की। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई धन योग नहीं है, ऐसा कोई स्वर्ण योग नहीं है, आपकी हाथ की रेखाओं में कोई राज योग नहीं है, तो क्या गरीब बने रहे? मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अपने प्रयास से, अपने अपनी अकल लगाकर हम उच्च वर्गीय में जा सकते हैं, अपने परिवार का भी बेड़ा पार कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक ऐसा कुल दीपक जन्मा जो 7 पीढ़ी की गरीबी एक बार में दूर कर दिया। तो ये जानकारी है, ये कोई हाथ का राज योग नहीं है, ये कोई कुंडली, जिनकी है उनकी बहुत अच्छी बात है, उन पर भगवान की मेहरबानी, परंतु यदि आपकी नहीं है तो हम उसे ज्योतिषीय उपाय से अपने जीवन में ला सकते हैं, अपनी किस्मत को स्वयं आप बदल सकते हैं। बस थोड़ी सी सही जानकारी, थोड़ा सा विश्वास, आपके द्वारा उठाया गया एक कदम सही जानकारी सही दिशा में आपके भाग्य को बदल देगा। होगी धन की बारिश, मिलेगी शत्रुओं से राहत, जो भी कर्ज लिया हो आपने चुका नहीं पा रहे, 7 पीढ़ी बीत गई और नहीं लगता है कि अगले जन्म भी चुका पाऊंगा, वह कर्ज आप अपनी आंखों के सामने चुका लेंगे। कोई धन लेकर गया है आपसे, नहीं दे रहा, मुकर गया है, आपको लगता है मैं इससे कभी 1 रुपया नहीं वसूल सकूंगा, मेरे सारे पैसे तो इसने ले लिए हैं, वो धन वो वापस आएगा, उल्टा आपको हाथ जोड़ कर देगा। ऐसा अविश्वसनीय उपाय बताने जा रही हूँ, आपने इधर किया और उधर असर दिखाया, ऐसा नहीं आज रात को आपने किया और सुबह रुपये का भरा बैग आपको मिलेगा, चमत्कार ऐसे नहीं होते। परंतु ज्योतिषीय उपाय को सही विधि से करने से अपने जीवन में आप चमत्कार ला सकते हैं। कई अनगिनत लोगों की किस्मत बदलते मैंने देखी है ज्योतिषीय उपाय से। भरोसा करके एक हिम्मत के साथ कदम बढ़ाइए, सही जानकारी के साथ और सही दिशा में, और देखिए कैसे किस्मत बदलती है। सच में धन की बारिश होती है, सच में छप्पर फाड़ कर धन मिलेगा आपको। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखिए मेरे कमेंट सेक्शन में, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहा कीजिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, या मेरा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे मिल रहे हो पहली बार, वो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपके लिए, जो कीमती मोती लेकर आई हूँ आपके लिए, वह पहुंचे सीधे आप तक। शनिवार के दिन संध्या के बाद अर्थात सूर्यास्त के बाद यह प्रयोग आपको करनी है।
एक नींबू ले ले, ताजा नींबू। नींबू शनिवार को ही खरीदनी, शुक्रवार को खरीद के ना रखें। नींबू को सीधा ना काटे, पेट के बल काटे, यानी जब हम जो खाने के लिए जिस तरह से नींबू काटते हैं वैसे काटे। जनरली वशीकरण में सीधा नींबू काटी जाती है, नजर उतारने में भी सीधी, और खाने के लिए उसे पेट से काटी जाती है। इस प्रयोग में आपको पेट से नींबू काटनी, वशीकरण की तरह नहीं काटनी। संध्या के बाद करनी है, शनिवार को करनी है, और शरीर पर काले वस्त्र धारण ना करें। वैसे भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप स्टाइल के लिए कुछ काली साड़ी लेती हैं या कोई काले टी शर्ट लेते हैं, पुरुष भाई हैं, तो पहनिए स्टाइल के लिए। पार्टी में जाना है तो पार्टी में जाइए, और आकर तुरंत इस वस्त्र को खोलिए। इससे कहते हैं ब्लैक कपड़े को, काले कपड़े को 6 घंटे से ज्यादा अपने शरीर पर मत लगने दीजिए, फिर सन एक्टिव हो जाता है। फिर तो ड्रेस आपने उतार के रख दी, परंतु वो जो सन एक्टिव हो गया ना, वो फिर शांत नहीं होता, फिर मुसीबत होती है। तो काले चप्पलों से, काले कपड़ों से देखने में बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं काले कपड़े, बहुत लोगों को बहुत पसंद आते हैं, परंतु इनसे बचा जाए, काली बिंदी से बचे जाए, काली चीजों से थोड़ा सा बचा जाए, क्योंकि आधी दुनिया सनि के मारे। मेरे पास जितने कमेंट्स आते हैं, जनरली आधे लोगों की प्रॉब्लम सनि सता रहा, तो इन काले चीजों से बचे, आप बहुत सारी समस्याएं खुद भी हल कर लेंगे। दो नींबू को, एक नींबू को काट लिया आपने, पेट से दो पीस कर लिया। एक एक चुटकी नमक दोनों पर डाल दें, दोनों टुकड़े पर डाल दें, और वापस से पुनः उन्हें जोड़ दें। एक सफेद धागा ले लें और सब तरफ से उसे बांध दें, सब तरफ से लपेट दें नींबू को, ज्वाइंट कर दें। अंत में ऐसा धागा बांधे कि नींबू लटक रहा हो। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे धागे पकड़े तो नींबू गोल गोल घूमने लगे। पहले तो बांध ले अच्छी से, कटी हुई नींबू टूट के गिर ना जाए। दाहिने हाथ में ऐसे नींबू को जकड़ लें, अपने घर के चारों दिशाओं में, सभी रूम में, सभी बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में घूम जाएं एक बार दाहिने हाथ में उस धागे वाले नींबू को पकड़कर। घर के सेंट्रल पॉइंट पर आ जाएं, एक घर का कोई तो मध्य केंद्र होगा, अंदाज लगा लीजिए कि कहाँ पर होगा, वहां आ जाए, नींबू को छोड़कर धागे को पकड़ ले, नींबू ऐसे लटकने लगेगी। तेज शब्दों में बिल्कुल मन ही मन नहीं, अपनी समस्या कहे, धन नहीं आ रहा है मेरे पास, मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ या करती हूँ, परंतु मुझे मेरे प्रयास का फल नहीं मिल रहा, मुझे धन कमाना है, मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे अपने हाथ में एक राजयोग चाहिए, मुझे मेरे भाग्य को जगाना है, धन की बारिश करनी है मुझे, धन की वर्षा करनी है, छप्पर फाड़ कर धन मेरे घर में बरसे, ऐसी इच्छा आप उस नींबू को लटका कर बोले। नींबू घूम रहा होगा, नींबू कभी शांत नहीं रहता, वो घूमेगा ही धागे में जो बांधा है आपने। बोलने के बाद इस नींबू को वापस से मुट्ठी में बंद कर ले, और अब थोड़ी रात हो जाए, थोड़ी संध्या हो जाए, सूर्योदय के समय ना करें, किसी भी सुनसान जगह में ले जाकर इसे फेंक दे। घर से निकलने के दौरान और वापस घर आने तक मुंह से एक भी शब्द ना कहे। घर आने के बाद खुद पर जल छींटे, हाथ पांव धो ले, थोड़ा सा जल पी ले, और जो वस्त्र आप पहन कर गए इस वस्त्र को उतार के धो ले, आप दूसरा वस्त्र पहन ले, उसके बाद ही आप किसी से बातें करें या कुछ भोजन करें। केवल एक शनिवार ऐसा करने मात्र से आप महसूस करेंगे कि कुछ तो बदलाव आया जीवन में। फिर शनिवार आए पुनः कीजिए, फिर शनिवार आए पुनः कीजिए, कुछ खर्च नहीं है, एक नींबू का खर्च है, परंतु 7 शनिवार ऐसा अवश्य करें। और ये घर का जो मुखिया है, घर का जो पुरुष है, जो मजबूत होता है, वो करे तो अति उत्तम, बिल्कुल संभव ना हो तभी स्त्री करे, वरना पुरुष से ही करवाए, घर के लड़के से ही करवाए। अब एक बार ऐसा करके देखें, 7 शनिवार धैर्य रख कर कीजिए, आपके हाथ में राज रेखा आ जाएगी, आपकी कुंडली में चाहे कुछ भी लिखा हो, इतना धन बरसेगा संभाल नहीं पाओगे। क्या महसूस किया आपने, क्या बदलाव आया आपके जीवन में, मेरे साथ में मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।